आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में सोमवार को गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एवं एक्सपो री इन्वेस्टर 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2030 तक भारत में 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश पूर्ण क्षमता के साथ इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ओंकारेश्वर में हमारी सरकार 600 मेगावाट क्षमता की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रही है। इसके साथ ही 200 मेगावाट क्षमता का सोलर पैनल भी हम लगा चुके हैं। हमने सभी प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए गति बढ़ाई है। गुजरात प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से गांधीनगर गुजरात में आत्मीय भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधीनगर गुजरात में सोमवार को आयोजित फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न निवेश से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्यमियों हेतु अनुकूल नीतियों, निवेश और नवाचार की सुदृढ़ नींव पर मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह कटिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में कुपोषण के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कम वजन वाले बच्चों के आंकड़ों में 45% की कमी, दुबलापन MAM के आंकड़ों में 45.9% की कमी, गंभीर दुबलापन SAM में 48.7% की कमी एवं ठिगनापन में 28.7% की कमी दर्ज की गई है। इस प्रकार कुल कुपोषण के स्तर में गिरावट लाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु मिशन मोड में कार्य कर रही है और ये उपलब्धि कुपोषण के विरुद्ध प्रदेश की जीत का शंखनाद है।